टेंथ क्लास में आज हम अपना छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। छठा चैप्टर है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये लगा दे, वहीं वहीं से लग जाएगा। ए बी सी, एक भुजा ए बी है इसमें, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है ए सी। तो इसमें ये तीन भुजाएं हैं। ऐसे ही इसमें तीन कोण हैं, एक कोण है ए और एक है कोण बी और एक है कोण सी। इसी तरह से इसमें तीन शीर्ष होते हैं, ए, फिर है ये शीर्ष बी, फिर है ये शीर्ष सी। ये ईंट दे छोड़िए, छोड़ दे, उधर जा पड़ेगा तो पड़ जाएगा। रहने दे, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन हमारे शीर्ष होते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होते हैं? अब एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज हमारे पास पीक्यूआर है। ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होते हैं? ये सर्वांगसमता के बारे में हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम जब होते हैं, जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हों, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के समान हों। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। जैसे इस त्रिभुज में ए बी भुजा इसके पी क्यू के इक्वल दिया गया हो, इसकी भुजा बी सी इसके क्यू आर के इक्वल दिया गया हो, और ये ए सी इसके पी आर के इक्वल हो, साथ में ये जो कोण ए है ये इस कोण पी के इक्वल हो, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू हो और कोण सी इक्वल टू कोण आर हो। तो जब तीनों भुजाएं समान हैं, तीनों कोण समान हैं, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं। और इसे हम लिखते हैं ए बी सी, ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमने नाइन्थ में किया था। तो सर्वांगसमता के लिए हमने कसौटियाँ पढ़ी थी नाइन्थ क्लास में, साइड साइड साइड। फिर हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, फिर हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, और लास्ट हमने पढ़ा था आर एच एस। ये हमने नाइन्थ में किया था। अब हम सर्वांग समता से अगले स्टेप पे चलेंगे। टेंथ क्लास में हम पढ़ेंगे समरूपता, सिमिलैरिटी। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? पी क्यू आर। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण तो इक्वल होते हैं लेकिन संगत भुजाएं समान नहीं होती, समान अनुपाती होती हैं। तो हम यहां लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा संगत कोण समान हो। तो यदि संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा और संगत कोण समान होंगे तो ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो जाएंगे।
तो संगत कोण कौन से हैं? ए के संगत कोण कौन सा है? कोण पी। कोण बी के संगत कोण है? कोण क्यू। कोण सी के संगत है? कोण आर। ये तीनों कोण इक्वल हो गए। भुजाएं समान अनुपाती। अब ये समान अनुपाती जो है ये क्या होता है, यानी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब भुजाओं का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज की भुजा ए बी का इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू के साथ अनुपात हम निकालेंगे, और अनुपात को हम बटे में लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू। बी सी का अनुपात हम बनाएंगे क्यू आर के साथ, और इस ए सी का अनुपात हम बनाएंगे भुजा पी आर के साथ, और ये तीनों अनुपात एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसे हम कहते हैं समान अनुपाती भुजाएं, यानी भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, तो ये भुजाएं कोण हो गए इसके समान, और भुजाओं का अनुपात ये इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूपता के लिए क्या होता है कि भुजाएं समान अनुपाती होती हैं और संगत कोण हमारे समान होते हैं। अब जैसे मान लो ये दोनों त्रिभुज हैं, इसमें ये कोण 60-60 डिग्री के हैं, और ये जो अनुपात ये भुजा है 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसको तुम मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर हम ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात निकालते हैं तो 2/6 कितना होगा, ये 1/3। बी सी का क्यू आर के साथ निकालेंगे 2/6 1/3, और ए सी का पी आर के साथ निकालेंगे 2/6 कितना हो गया, 1/3। क्या ये तीनों अनुपात एक दूसरे के इक्वल हैं? इक्वल हैं ये, तो हम क्या कहेंगे कि भुजाएं कैसी हैं, समान अनुपात में हैं, भुजाएं समान अनुपात में, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। अब कोण इसमें है ही तीनों एक दूसरे के इक्वल, मान लो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ऐसे ही इसमें हैं 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो तीनों कोण आपस में इक्वल हो गए 60-60 डिग्री के। भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं, अलग अलग हैं, लेकिन उनका अनुपात निकालते हैं तब वो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसे ही एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि है तो ये वृत्त आकृति कैसी है, गोल है दोनों की, तो ये है हमारे समरूप वृत्त। अगर हम स्क्वेयर ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं, एक स्क्वेयर हमने ये ले लिया और एक हमने ये ले लिया, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। क्यों होंगे, कोण कैसे कितने कितने डिग्री के हैं, इसके अंदर 90-90 डिग्री के हैं। अब 90-90 डिग्री के कोण हैं तो कोण हो गए समान। भुजाएं जो हैं वो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी दो है, और ये मान लो 3 ये 3 ये 3 और ये 3, तो अनुपात निकालेंगे 2/3 2/3 2/3 2/3, सबका अनुपात इक्वल हो जाएगा। तो भुजाओं का जब अनुपात इक्वल है तो ये वर्ग भी क्या होंगे, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है, हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहले का पहला पार्ट, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या फिर समरूप। दूसरा पार्ट है इसका, सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप या सर्वांगसम।
तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है, सभी डैश प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु या फिर समबाहु। चौथा पार्ट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि फर्स्ट पॉइंट, उनके संगत कोण डैश हो, तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बराबर या समान अनुपाती। तो देखो, हमें इसमें खाली स्थानों को फिल करना है। हमें ऑप्शन साथ में दिए गए हैं। सबसे पहले सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। अब यदि सभी वृत्तों का आकार एक जैसा हो, मान लो इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और हम दूसरा भी ऐसे ही बनाएं और उसकी त्रिज्या भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, यदि उनकी त्रिज्या एक दूसरे के इक्वल है तो ये हो जाता है सर्वांगसम। क्योंकि अगर हम इस वृत्त को यहाँ से उठा के इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इसको पूरे तरीके से ढक लेगा और नीचे वाला जो वृत्त है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इनकी त्रिज्याएं जब समान हैं तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। लेकिन यदि त्रिज्या समान नहीं है, 2 की जगह यहाँ 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हम वृत्त बना देते हैं, तो फिर ये एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, लेकिन इनके आकृति एक दूसरे के जैसी हमें दिखती है कि दोनों ही गोल हैं ये। तो अब सभी प्रकार के वृत्त कैसे हो जाएंगे, समरूप। अब सभी में क्या आ गया, छोटे भी हो गए बड़े भी हो गए, आपस में सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी त्रिज्या एक दूसरे के इक्वल होती है। समझ आ गया सभी को। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास समरूप। इसके बाद है सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप या सर्वांगसम। अब यदि हम 2 स्क्वायर ऐसे ले लें कि जिनकी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और ये भी 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं इसकी चारों भुजाओं के इक्वल हो जाती हैं। और वर्ग में एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण, तो कोण समान हो गए, भुजाएं समान हो गई। यदि ऐसी स्थिति है तो होता है सर्वांगसम। लेकिन इसमें क्या बोला है, सभी, सभी में क्या आ जाएगा, छोटा भी आ जाएगा बड़ा भी आ जाएगा। मान लो एक हमने छोटा वर्ग ऐसे बना दिया और एक हमने ऐसे बना दिया, ये 2 सेंटीमीटर भुजा का है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का है, तो अब ये भुजाएं अलग अलग आ गई इसकी। लेकिन हम यदि इसमें भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे ये 2 है और ये 4 है, इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। अब इसकी ये एक भुजा 2 है तो बाकी की सभी भुजाएं भी 2-2 सेंटीमीटर की होंगी, 2/4, और इसमें सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होंगी, 2/4, 2/4, तो सबका अनुपात क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर सभी बोला हुआ है तो क्या आना चाहिए, समरूप आना चाहिए। सभी में कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है, तो अगर छोटे बड़े ले लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, ये समरूप बन जाएंगे। लेकिन अगर इनकी भुजाएं जैसी हों तो फिर ये क्या होंगे, सर्वांगसम। अभी ये सभी लिखा हुआ है तो क्या आना चाहिए, इसमें समरूप होंगे। समझ आ गया है। इसके बाद है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समद्विबाहु या फिर समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती हैं और तीनों कोण, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है और ये भी 2, तीनों भुजाएं समान हो गई और हर एक जो कोण है वो 60 डिग्री का हो,
तो ये त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें भी हम ले लेते हैं इसका कोण 60 डिग्री और ये वाला कोण 60 डिग्री और ये वाला कोण भी 60 डिग्री। भुजा कुछ और ले लेते हैं हम, 3 सेंटीमीटर की हम भुजा ले लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, तीनों कोण इक्वल हो गए, लेकिन भुजाएं इक्वल नहीं हैं ये। लेकिन यदि इनका अनुपात निकाला जाए, 2/3, ये वाला 2/3 और ये 2/3, तो इनका अनुपात एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो ये भुजाओं का अनुपात समान हो गया, संगत कोण समान हो गए, तो ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो कौन से ऐसे त्रिभुज होते हैं जो कि समरूप होते हैं, समबाहु, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समझ आया है? ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, संगत भुजाएं डैश हो। इन दोनों में से हमें लिखना है। अब संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं, बताओ। कोण कोण इक्वल होते हैं, और भुजाएं कैसी होती हैं, क्या बताया था, समान अनुपाती। तो कोण हमेशा इक्वल होंगे समरूपता में, और भुजाएं हमेशा समान अनुपाती होंगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमें एग्जाम्पल देने हैं, समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, समरूप आकृतियों में हम क्या ले सकते हैं, जैसे वर्ग होता है वो क्या होंगे, समरूप होंगे, और सभी प्रकार के जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हम ले सकते हैं और समरूप वर्ग हम ले सकते हैं। ऐसे ही अगला पार्ट दे रखा है, ऐसी आकृतियाँ जो कि एक दूसरे के साथ समरूप नहीं है। अब नहीं है में क्या आ सकता है, हम इसमें विषम बाहु त्रिभुज ले सकते हैं, यानी एक त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हैं, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हैं, उनका अनुपात समान नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। तो इसमें हम विषम बाहु त्रिभुज को ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। एक पॉइंट पाँच सेंटीमीटर और एक पॉइंट पाँच सेंटीमीटर। तीन सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात निकाल करके देखते हैं। अगर हम पी के यू का ए बी के साथ निकालें अनुपात, पी के यू बटे ए बी, पी के यू है 1.5 और ये है 3। दूसरा हम निकाल देते हैं क्यू आर बटे बी सी, क्यू आर 1.5 और बी सी है 3। तीसरा हम निकाल देते हैं आर एस का अनुपात सी डी के साथ, अब ये है 1.5 और सी डी है 3। और ये चौथी भुजा है पी एस, पी एस का हम निकालेंगे ए डी भुजा के साथ, ये भी 1.5/3। चारों भुजाओं का अनुपात क्या एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, इक्वल है, हम देख रहे हैं सबका एक जैसा है, इक्वल है, तो भुजाओं का अनुपात समान है। समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात समान होता है और संगत कोण समान होते हैं। अब भुजाओं का अनुपात समान आ गया, अब देखते हैं हम कोण इक्वल है कि नहीं। अब इसमें ये देखो कि कोण ए कितने डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का, तो क्या जो कोण पी है वो 90 डिग्री का है, बताओ कोण पी 90 डिग्री का है क्या, दिख तो रहा है, नहीं है, ये ऐसे टेढ़ी लाइन है,
90 डिग्री की कुल लाइन कैसी होती है? बिल्कुल सीधी, जैसे कि ये दी गई हमें 90 डिग्री की लाइन बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए सीधी, तब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। ऐसे ही ये 90 है, ये 90 नहीं है, ये 90 है, ये 90 नहीं है, और ये 90 है तो ये 90 नहीं है। इसका मतलब है कि संगत कोण इसके समान नहीं है। और जब संगत भुजाएं समान अनुपातीय, संगत कोण समान, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर इन दो में से कोई एक नहीं है तो हमारी आकृतियां समरूप नहीं होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि संगत कोण समान नहीं है इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं। तो संगत कोण तो इक्वल है, लेकिन संगत कोण इक्वल नहीं है, संगत भुजाएं समान अनुपाती हैं, तो ये वाली जो आकृतियां हैं वो एक दूसरे के साथ समरूप नहीं होंगी। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।